अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम 81.5 का चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और टॉपिक हमारा है डेल्टा कनेक्शन में पावर। कि डेल्टा कनेक्शन में आपकी जो पावर होती है किस चीज़ के इक्वल होती है। अब आपको टोटल पावर या एक्टिव पावर तो आपको पता ही है, आपकी हकीकी पावर होती है। और हकीकी पावर आपकी क्या होती है? किलोवाट। किलोवाट आपकी क्या होते हैं? पावर, पी। ये तो आपको आइडिया है। तो इधर हम लिख देंगे पी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई। अब फेज वोल्टेज क्या होते हैं? फेज पावर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फेज पावर इज इक्वल टू होती है आपकी डेल्टा कनेक्शन में वी फेज आई फेज कॉस थीटा। तो ये चीज़ उठा के मैं इस जगह पर लगा दूंगा, मल्टीप्लाई बाई वी फेज मल्टीप्लाई बाई आई फेज मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। अब आपने ये देखना वी फेज और आई फेज किस चीज़ के इक्वल है। वी फेज और आई फेज, तो डेल्टा कनेक्शन में जो वी फेज इज इक्वल टू होता है वी एल, और आई फेज क्या किस चीज़ के इक्वल होता है? आई एल ओवर थ्री के चेजर। इनके बारे में मैंने एक लेक्चर में बताया भी है कि ये किस तरीके से इक्वल होता है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वीडियोस उधर से देख लीजिएगा। अब इन वैल्यूज़ की, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये देखें किस तरीके से करेंगे, पी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई वी फेज इक्वल टू है वी एल, वी एल आपने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई आई फेज इज इक्वल टू क्या है जी, आई एल ओवर 3 की जजर, आई एल ओवर 3 की जजर मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई। अब ये कॉस फाई होता है ये किस चीज़ के इक्वल है? ये कॉस फाई होता है आपका जो वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल बनता है, ये वो चीज़ होती है, यानी कि पावर फैक्टर भी बोलते हैं इसको, कॉस फाई को या कॉस थीटा को। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो आपका ये फाई होता है, करंट और वोल्टेज के दरमियान। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इस 3 को ये देखें, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 3.3। क्यों लिख सकता हूँ? ये देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 3 की जजर का स्क्वेयर। स्क्वेयर से जजर ख़त्म हो जाएगी, आंसर क्या आएगा आपका पास 3। तो इस वजह से इस 3 की जगह पर मैं इन दोनों को भी लिख सकता हूँ। तो इस 3 इस जगह पर मैं ये लिख देता हूँ 3 की जजर डॉट 3 की जजर मल्टीप्लाई बाई वी एल मल्टीप्लाई बाई आई एल ओवर 3 की जजर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। ये 3 की जजर 3 की जजर ख़त्म हो जाएगा, तो पावर का फार्मूला आपका क्या बनेगा जी, 3 की जजर वी एल आई एल कॉस थीटा। ये तो डेयर स्टूडेंट आपकी होगी एक्टिव पावर, यानी कि जो आपकी रियल पावर होती है। और रिएक्टिव पावर इसमें क्या होगी आपकी? रिएक्टिव पावर आपकी होगी सिर्फ आपने ये कॉस थीटा की जगह साइन लगा देना, साइन थीटा लगा देना, सेम वही फार्मूला 3 की जजर वी एल आई एल साइन थीटा। ये आपका प्रूव हो गया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।